नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक योर लाइफ इजी टेक्निकली में। आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोशल मीडिया ऐप ट्विटर ऐप के बारे में बताने जा रहे हैं। दोस्तों ये एक बहुत ही पावरफुल ज़बरदस्त ऐप है। आपने कई बार जो इंडियन टॉप कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा है उसके मुँह से कई बार इस ट्विटर के ऊपर कमेंट करते आपने सुना होगा। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो, ये कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है और ये जो एप्लीकेशन है ये माइक्रो ब्लॉगिंग एंड सोशल नेटवर्किंग यूज़ के लिए बनी है। यहाँ पे भी इस इमेज में भी आपको सेम इन्फॉर्मेशन मिल रही है, माइक्रो ब्लॉगिंग के लिए यूज़ होती है और सोशल नेटवर्किंग सर्विस है ये जिसे हम यूज़ कर रहे हैं। इसके जो फाउंडर है वो जैक डोर्सी है और तीन चार नाम दिए हुए हैं, CEO है पराग अग्रवाल। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल ऐप है। इसके फीचर्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या होता है, अब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे ही आप गूगल में जाके ट्विटर लिखेंगे, तो ट्विटर जैसे ही आप लिखेंगे सर्च करेंगे तो आपको एक लिंक यहाँ पे दिख रहा होगा गूगल प्ले स्टोर का। इसे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको सीधा ही गूगल प्ले स्टोर में ले जाएगा, या तो आप सीधा गूगल प्ले स्टोर में जाके भी ट्विटर सर्च करते हैं। ये एक स्टेप्स बता रहा हूँ इस सॉफ्टवेयर को, इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने का। जैसे ही मैंने इस लिंक को क्लिक करा जो मैंने गूगल पे ट्विटर लिख के सर्च किया था, ये मुझे गूगल प्ले स्टोर के पे लिंक पे ले गया। यहाँ पे आपको स्क्रीन पे ओपन दिख रहा है क्योंकि ये मेरे फ़ोन पे ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। आप लोगों को यहाँ पे इंस्टॉल की ऑप्शन आएगी, जस्ट आप क्लिक करना इंस्टॉल पे और कुछ ही एक मिनट के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन आपके फ़ोन में आ जाएगी, मतलब इंस्टॉल हो जाएगी। आइए दोस्तों देखते हैं इस एप्लीकेशन में क्या क्या और इसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या फीचर है। जैसे ही आप अपने फ़ोन में जहाँ पे भी एप्लीकेशन इंस्टॉल है आइकन को क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको डैशबोर्ड का एक स्क्रीन दिखेगी। डैशबोर्ड में आपको जो भी आप जिसे भी फॉलो कर रहे हैं उसकी आप वो कोई भी कुछ भी ट्वीट करता है, कोई पिक्चर इमेज अपलोड करता है या कोई ट्वीट करता है या फिर कोई वीडियो अपलोड करता है तो आपको सीधा के सीधा डैशबोर्ड में दिखेगा। नीचे काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, अभी हम सर्च की ऑप्शन पे नीचे डैशबोर्ड सर्च स्पेस का है और नोटिफिकेशन और मैसेजेस का है। जो ये सर्च वाला पार्ट है इसमें आपको काफ़ी सारी ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसे फॉर यू, ठीक है। टॉप पे आपको दिख रहा था कि ये कुछ ट्रेलर का चल रहा है, तो जैसे हमने ट्रेलर पे क्लिक किया तो लाइव ट्रेलर दिख रहा है। ये ट्रेंडिंग है, अभी इस समय कौन से ट्रेंडिंग हैशटैग चल रहे हैं तो वो आपको सामने दिखा रहा है काफ़ी सारे। इसमें अब न्यूज़ पे हमने क्लिक करा है, न्यूज़ पे किस टाइप की न्यूज़ अभी करंट टॉप पे है तो वो आपको वहाँ पे दिख रही है, ट्विटर भी दिखा रहा है। स्पोर्ट्स पे जाएंगे तो स्पोर्ट्स की न्यूज़ मिलेगी जो अभी अपडेटेड करंट न्यूज़ चल रही है। इंटरटेनमेंट में जाएंगे तो इंटरटेनमेंट के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो ये कुछ चार पाँच ऑप्शन है। सर्च भी दिया, अगर कुछ सर्च करोगे तो वो भी आपको वहाँ पे दिख जाएगा सर्च करते ही वहाँ पे डैशबोर्ड। ये एक स्पेस का, ये भी एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। स्पेस में क्या होता है कि यहाँ पे दिख रहा है काफ़ी सारे बंदों ने जो है ट्विटर यूज़ करते हैं उन्होंने स्पेस क्रिएट की है। अब किसी भी अगर आप स्पेस पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे आप देख पा रहे हो जैसे सबसे टॉप पे 101 लिसनिंग है, यानी 101 एडिट है स्पेस में 64 सेकंड वाले में। और ये लाइव है, लाइव आप देख पा रहे हो कि वहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, ये लाइव स्पेस चल रही है। किसी पे भी क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप भी उस स्पेस को ज्वाइन कर सकते हो। अभी जैसे मैंने क्लिक करा तो इसे ये देखिए, आप स्टार लिसनिंग में क्लिक कीजिएगा। जैसे स्टार लिसनिंग में क्लिक करेंगे तो आप भी इसके साथ ज्वाइन हो जाएंगे। जैसे मैंने क्लिक करा Only if you want to get shut. अभी मैंने यहाँ से लीव कर दिया तो ये जो स्पेस में सारे एडिट थे वो एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे किस टॉपिक पे, जो इस स्पेस का टॉपिक बना हुआ है। और भी देखते हैं, ये नोटिफिकेशन में जाएंगे तो नोटिफिकेशन आते हैं जैसे हमें हर एक एप्लीकेशन में आते हैं। मैसेजेस में जाएंगे तो आपको मैसेजेस मिलेंगे, किसी ने आपको किया है, आपने उसको किया, पूरी लिस्ट दिखती है। इसमें ट्विटर में सबसे एक बड़ी इम्पोर्टेंट अपडेट मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसे हम यूट्यूब में मोनेटाइज करते हैं अपने चैनल को, इसमें भी आप अपने जो अकाउंट को मोनेटाइज कर सकते हैं। देखिए प्रोफेशनल टूल में आपको मोनेटाइजेशन की ऑप्शन दिख रही है। अगर इसमें भी आप अपना जो काफ़ी सारे फॉलोअर्स आपके साथ ऐड हो जाते हैं और आप डेली ट्वीट करते हो, वीडियो अपलोड करते हो, कुछ भी करते हो, उसमें भी आप अर्निंग कर सकते हो। तो ये सिर्फ
सिर्फ YouTube ही नहीं है, इसमें भी कर सकते हो आप Twitter पे, Twitter के अलावा Facebook में आप कर सकते हो, तो काफ़ी सारी हैं। Instagram में आपको अर्निंग होती है, तो सेम एज इट इज़ YouTube के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पे Google Cloud पे देखो आपको ब्लू टिक नज़र आ रही है, तो ये तो Google Cloud का एक अकाउंट है। ऐसे ही यहाँ पे अभी आप देखोगे यस कि आप किसी का जैसे अखिलेश यादव है, तो ये पॉलिटिक्स है, इसके साथ भी आपको ब्लू टिक नज़र आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि इसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। अभी क्लिक किया ये देखिए, ये तो फॉलो 20 पर्सन्स को कर रहा है, लेकिन इसका 17.4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इसी के कारण इसके अकाउंट के साथ एक ब्लू टिक आ रही है, जो मेरी इस समय नहीं आ रही क्योंकि मेरे फॉलोअर्स हैं नहीं। तो जैसे आप फॉलोअर्स का टारगेट गेन कर लेते हो इसमें भी, तो इसमें भी आपका जो अकाउंट है वो मोनेटाइज हो जाएगा, उससे भी आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको फ्यूचर आने वाली वीडियो